आगे बढ़ते हैं, अहम खबर आपको दे। पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस पामी ने मेरिट पर दाखिलों का ऐलान कर दिया। एमडी कैट एंट्री टेस्ट 50% और एफएससी के 30% नंबरों की बुनियाद पर दाखिले दिए जाएंगे, जबकि इंटरव्यूज के 20% नंबर शामिल होंगे। इसी पर बात करेंगे, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद बलोच हमारे साथ मौजूद है। जावेद बलोच, कहिएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? देखिए, मेडिकल के कॉलेज मेडिकल के तलबा के लिए एक बड़ी खबर है कि आज पामी की तरफ से ये दाखिलों की अनाउंसमेंट की गई है, जिसमें एमडी कैट के 50% नंबर रखे गए हैं, जबकि 30% जो है वो एफएससी और 20% जो है वो इंटरव्यू के लिए नंबर रखे गए हैं। इसमें ये इबहाम जो है वो खत्म हो गया है। प्रोफेसर डॉक्टर सैयद अब्दुलरहमान साहब जो प्रेजिडेंट हैं पामी के, उनकी कोशिशों से उन्होंने मुजाकरात किए, पीएमसी से मुख्तलिफ कॉलेजेस को अनलोड लिया, और जिसके बाद आज ये बाकायदा अनाउंसमेंट की जा रही है कि पामी ने बाकायदा अपने जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें दाखिलों का ऐलान कर दिया है। अब तलबा जो है वो मुख्तलिफ प्राइवेट कॉलेज में दरखास्तें दे सकेंगे, अपनी मर्जी का कॉलेज चूज कर सकेंगे, जहां उन्हें एडमिशन लेना है अपनी मर्जी का शहर जो है वो चूज कर सकेंगे और अपनी मर्जी के कॉलेज में दाखिला ले सकेंगे। इस तरह ये एक इबहाम था प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में दाखिलों के हवाले से, जो आज क्लियर हो गया और जिसके बाद अब ये दाखिलों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद बलोच हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने बताया कि मजमू तौर पर 80% नंबर्स पर लिस्ट मुरतब की जाएगी, जिसमें 20% इंटरव्यूज के नंबर भी शामिल होंगे। इसी पर बात करेंगे, डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर मियां नवीद हमारे साथ मौजूद है। मियां नवीद, कहिएगा अच्छी खबर है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए? जी बिल्कुल, इसमें सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि एक तारीखी फैसला ये किया गया है कि खुद ही पामी की जानिब से जो है ग्रीवियस कमेटी बना दी गई है, और ये ग्रीवियस कमेटी जो है वो वालदैन फैकल्टी और उसके साथ स्टूडेंट्स की जो है शिकायत वो सुनकर फौरी तौर पर उसको हल करेगी। इससे पहले इस तरह का ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं था, लेकिन पहली मरतबा ऐसा हुआ कि पामी की जानब से जो है वो एक ऐसा नोटिफिकेशन कर दिया गया है, जो 5 रुपये नोटिफिकेशन है, जिसमें जो है बाकायदा तौर पर नायब सदर पामी तरफ से डॉक्टर तारक खान कमेटी के चेयरमैन नामजद किए गए, जबकि दीगर मेम्बरान में सूबाई सदर पामी पंजाब डॉक्टर इस्लाम, सदर पामी केपी के डॉक्टर गुलाम दुरानी, सदर पामी सिंध डॉक्टर सईद रजा रजी मोहम्मद और सदर पामी फेडरल एरिया डॉक्टर यासर नियाजी शामिल है। पामी की जानब से बनाई गई शिकायत कमेटी स्टूडेंट्स वालदैन फैकल्टी और शहरियों को दरपेश मसाइल हल करेगी और पीएमसी काउंसिल के साथ रास्ते में रहेगी, ताकि किसी भी किस्म की शिकायत कमेटी किसी किस्म की शिकायत फौरी तौर पर हल की जा सके। स्टूडेंट शहरियों को और फैकल्टी की शिकायत कमेटी पहला फोरम होगा, यहाँ पर जो स्टूडेंट वालदैन और फैकल्टी मेंबर्स जो यहाँ पर अपनी शिकायत और तफजात दर्ज करवा सकते हैं। अगर किसी मेडिकल कॉलेज में खाली सीटें रहती हैं तो हर कॉलेज को 7 दिन फ्राहम किए जाएंगे, ताकि सीटों का जो कोटा पूरा किया जा सके। हर कॉलेज अपनी वेबसाइट पर हतमी लिस्ट जारी करेगा और मुतलका लिस्ट को साक्षता यूनिवर्सिटी में भिजवाया जाएगा। ये एक बड़ा फैसला किया गया है कि पामी की जानब से जो ग्रीवियस कमेटी बना दी गई है, इससे पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। इससे ये फायदा होगा कि स्टूडेंट वालदैन और फैकल्टी जो है वो अपनी शिकायत या तहफात तहफात का इजहार कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया मियां नवीद, आप हमें अपडेट कर रहे थे।